एशियन फूड और मसाला जैसे खरीदारी का सबसे बड़ा मार्केट। घरेलू इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी बर्तनों की अलग वैरायटी भी दस्तियाब है। ब्राय रब्ता लेफोर इरिनी टावर 71, फोन नंबर 2103436 2786 94 514 3843 694 5014 67 697 498 1900। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्मे तकबीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा कमल। नाज़रीन, 2012 गुजर गया, 2013 शुरू हो चुका है। इस नए साल के आगाज़ पर मैं अपनी तरफ से और बज़्मे तकबीर की पूरी टीम की तरफ से, यूनान की पूरी टीम की तरफ से और इंग्लैंड में बज़्मे तकबीर की पूरी टीम की तरफ से तमाम नाज़रीन को दिल की अथाह गहराइयों से नए साल की बहुत मुबारक देती हूं। आइए चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले इस हफ्ते की हेडलाइंस। तकबीर टीवी के तमाम नाज़रीन को बज़्मे तकबीर की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद हो। मरकज़ मिराजुल कुरान रेंदी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के हवाले से मशावरती इजलास में मुतफरक फैसले। वज़ीर दमोसी अस्ताक्सिस यूनान का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर दाला रहमान मलक से मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। साबिक सदर मिनहाजुल कुरान यूनान जावेद इकबाल अवान और बानी रुकन अल हाज फी कवान की जानब से अलामा शहबाज अहमद सदीकी, सिकंदर रियाज चौहान और इब्राहिम फैज के एजाज में इस्तकबालिया। बैंक चीमा एसोसिएशन के 5 साल मुकम्मल होने पर सहाफी बरादरी के एजाज में इशाइया। एथेंस में कायद एवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 50वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाई गई। साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हसैन अहमद इंतकाल कर गए। उनकी वफात पर इस्लामिक फोरम ग्रीस की जानब से दुआया तकरीब का इनेकाद। खबरों की तफसील। गुज़श्ता पीर की शाम मरकज मिराजुल कुरान रेंदी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के इंतजाम के हवाले से एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमात के अलावा सहाफी बरादरी को भी मदऊ किया गया था। इजलास में मियां वकार लादियां, मोहसिन रजा शाह, अलहाज बशीर शाद, काशिफ अजीज भुट्टा, राना वकार अहमद, चौधरी मुदस्सर खादिम सोल और दीगर ने भी तजावीज पेश की। तहम इजलास में शरीक शुरका की अक्सरियत ने जुलूस के तमाम इंतजाम के हवाले से पहले वाली मौजूद मिलाद कमेटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए मिलाद कमेटी की तौसीफ पर इतफाक किया। साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद के इंतकाल की खबर सुनते ही गुज़श्ता हफ्ता की शाम इस्लामी फोरम ग्रीस के मरकज आयोनारगिरो में ताजीती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनान में मुकीम हर मकतबा फिक्र से तल्लक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तहरीक मिनहाजुल कुरान यूनान के साबिक सदर मलक जवेद इकबाल अवान, साबिक नाज़िम मिनहाजुल कुरान यूनान आजी मोहम्मद शफीक अवान की तरफ से सीनियर सहाफ़ी और चीफ एडिटर उजाला न्यूज़ सिकंदर रियाज सुहान, वीनस टीवी के प्रोड्यूसर इब्राहिम फैज और साबिक अमीर तहरीक मिनहाजुल कुरान यूनान अलामा शहबाज अहमद सदीकी के एजाज में शानदार इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया।
जिसमें साबिक डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान कब्सेली, कारी मोहम्मद अकरम जाहिद और मीडिया के अहबाब से सीनियर सहाफी व कालम निगार एहसान उल्ला खान, तलत जाफरी, यूसुफ चौधरी, अरफान तैमूर, जियाउर रहमान, नासर जसुकी, मियाँ वकार लादियाँ, मेहर दानिश बशीर, राजा मजाहिद जलाल ने स्वीडन और पाकिस्तान से आने वाले मेहमानों को खुश आमदेद कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी सरबराह साबिक वजीर आजम व कायद अवाम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की 50वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद चौधरी शबीर दामा के ऑफिस में किया गया। इस मौका पर मुकर्ररीन ने कहा कि साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जैसी शख्सियात सदियों में पैदा होती हैं। भुट्टो शहीद ने गरीबों को आवाज दी और इन्हें सबसे पहले इनके हकूक से आगाह किया। बैंक चीमा एसोसिएशन के 5 साल मुकम्मल होने पर सहाफी बिरादरी के एजाज में इशाया दिया गया, जिसमें बैंक चीमा एसोसिएशन के कारकुनान और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। एशाया की तकरीब में इस्तकबालिया पेश करते हुए जहीर अवान ने कहा कि पाकिस्तानी बरादरी के लिए बैंक चीमा एसोसिएशन की तरफ से की गई खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि आइंदा भी इस मिशन पर अमल पैरा रहेंगे। नाजरीन, ये थी इस हफ्ते की खबरें। आइंदा हफ्ते तक बज़्म तकबीर के प्रोग्राम से यूसुफ चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, हमारा अगला सेगमेंट है टॉक शो का, लेट्स वॉच टॉक शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकबीर टीवी के प्रोग्राम बज़्मे तकबीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान उल्ला खान। नाज़रीन, आज हम सफारत खाना पाकिस्तान एथेंस में मौजूद है, जहाँ पर हमारे आज मेहमान होंगे जनाब इरफान उर्रहमान राजा साहब, सफीर पाकिस्तान एथेंस। 6 अप्रैल 2012 को दो पाकिस्तानी नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर दो मकामी जो मामर एक जोड़ा था उसको बचाने की कोशिश की थी और उस कोशिश में खुद अपनी जानों से भी चले गए थे। इस जान शहादत को नोश करने के बाद पूरी पाकिस्तानी बरादरी ने भी उनकी इस खिदमत को, इस काविश को कदर की निगाह से देखा था और यूनानी माशरे ने भी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जहाँ एक तरफ पाकिस्तानी कम्युनिटी ये कोशिश करती रही कि उनकी मौत के बाद उनके अहल खाना को, उनके घर वालों को किसी तरह से कोई हेल्प की जाए, कोई मदद की जाए, इसी तरह सफारत खाने पाकिस्तान से सफीर पाकिस्तान जनाब इरफान उर्रहमान राजा साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए यूनान के मुख्तलिफ महकमों को इस कुर्बानी के बारे में अवेयरनेस दी, जिसका लाजमी नतीजा ये निकला कि उनकी इस खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए एकेडमी ऑफ एथेंस ने 28 दिसंबर 2012 को अवार्ड सेरेमनी के अंदर, जहाँ उन्होंने अपने ऐसे अफराद को जिन्होंने मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी थी, उनको अवार्ड से, सिविल अवार्ड से नवाजा। उन 50 अफराद जो ग्रीकी थे उनके साथ 2 अफराद पाकिस्तानियों को भी यूनान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया और साथ में 5,000 यूरो नकद फीकस के अहल खानों को भी माली मदद की गई। आज इसी सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम खसूसी तौर पर तरतीब दिया गया है और हम गुफ्तगू करेंगे सफीर पाकिस्तान जनाब इरफान उर्रहमान राजा साहब से और उनसे पूछेंगे कि किन किन मराहल में उन्होंने क्या क्या कोशिशें की और हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या करी। सफीर साहब, आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सफीर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जो एजाज़ हमारे दोनों पाकिस्तानियों को दिया गया, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी और ख़ुद अपने आप को भी, बल्कि पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अच्छी कुर्बानी के बाद यूनानी माशरे ने हमारी कदर की। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने उनकी शहादत के बाद से इस केस को किस तरह से देखा, किस तरह से उसको फील किया और आगे बढ़ाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जो कुछ मैं कहना चाहता था वो तो आपने खुद ही कह दिया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। मेरे भाई, बात यह है कि मैं इस चीज़ का कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता। एम्बेसी ने क्या किया, एम्बेसी ने क्या नहीं किया, सफीर पाकिस्तान ने इस सिलसिले में क्या किया। सो पहले तो ये है कि वो वकार यूनस हमायूं, सॉरी वकार हमायूं या उनकी जगह यूनस या कोई और भी होता और वो किसी भी हादसे का शिकार होता, मुझे तकलीफ होनी थी। सर, क्या डिफरेंस महसूस किया आपने आम अमवात की, आपको जो खबर मिलती है उसमें, और जब इन दो की सिचुएशन का आपको इल्म हुआ तो किस तरह महसूस किया आपने कि क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? देखिए, तकलीफ तो मुझे बहुत हुई जब पता लगा कि ये दो नौजवान बेटे हमारे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन जब बैकग्राउंड पता लगा कि क्या हुआ था, जब डिटेल उसकी आई तो खुशी भी हुई, फख्र कि उस वक्त जब एक मोमर जोड़ा रेलवे लाइन के ऊपर उनकी गाड़ी फंसी हुई थी तो ग्रीकी तमाशा देख रहे थे, जिस चीज से मेरा सर फखर से बुलंद हुआ वो ये थी सिर्फ कि वो लोग जो
उनके मोहल्लेदार उनका खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, उन्होंने मदद नहीं की, ये गैर मुल्कियों ने जाके उनकी मदद की। और तीन थे ये, तीसरे का एक आया था पहले हालात के मुताबिक, पहले एक आया था छोटा लड़का 18 साल का जो था, उसके बाद उसने दूसरे दोस्तों को फोन करके वहां पर बुलाया। ओके, खुशी है इस बात की कि ये दो पाकिस्तानी थे, दो जर्मन नहीं थे, अल्बेनियन नहीं थे, बांग्लादेशी नहीं थे, या और किसी कौम के ये नहीं थे। अच्छे कॉज के लिए उन्होंने जाने दी, अच्छे कॉज के लिए जाने दी इसको। सफीर साहब, जो एजाज उन्हें दिया गया 28 दिसंबर 2012 को अवार्ड सेरेमनी के अंदर, और जिस तरीके से यूनानी माशरे ने उन्हें इज्जत अता की वहां पर, क्या इस हद तक जो रिस्पॉन्स आए ग्रीक लोगों की तरफ से, उससे आप मुतमईन हैं? हमें लोगों के ईमेल भी आए, खत भी आए और टेलीफोन भी आए ग्रीक्स के, जिन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया और इस चीज़ को सराहा कि ये दो पाकिस्तानियों ने ये काम किया। और उसकी कुलमिनेशन यही हुई है जो 28 दिसंबर को एकेडमी ऑफ एथेंस की सेरेमनी हुई थी, उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा। और वो पूरे एथेंस को ही नहीं बल्कि पूरे ग्रीस को रिप्रेजेंट करती है वो एकेडमी, जब वो चुनते हैं लाखों लोगों में से या हजारों लोगों में से, जब वो 50 लोगों का इंतखाब करते हैं हर साल, वो बहुत सोच समझ के करते हैं जी, हर एक को वो ऐसे एजाजात नहीं बांटते। जब उन्होंने इन दो को चुना, और जाहिर है उसमें हमारी कोशिशें बहुत शामिल थी, हमने उनसे काफ़ी देर और काफ़ी लेवल ऊंचे लेवल तक जाके ये केस उन तक पहुँचाया और उनको ये तस्लीम बाबर करवाया कि हाँ ये हक बनता है इनका कि इनको भी एजाज दिया जाए। तो ये वो नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे ग्रीस की, यानी जब उस एकेडमी ने इनको सराहा, एक्नॉलेज किया इनकी कुर्बानी को, तो पूरे ग्रीस ने किया। सो ग्रीस की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस चीज़ पे फख्र करती हैं कि दो पाकिस्तानी नौजवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके एक मर जोड़े की। सर, ये एक मेरी तरफ से दरख्वास्त है आपको, कबूल फरमाइए, जिस तरह आपने यूनान में हाई लेवल तक जाके कोशिश की और इन लोगों को बावर कराया कि किस तरह से हमारे पाकिस्तानी जो हैं इन्होंने कुर्बानी दी और उसके लिए एजाज़ आपने हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह ये हमारी दरख्वास्त है आपसे कि आप हुकूमत पाकिस्तान से भी इस केस को हाईलाइट करने और इनके अहले खाना को कफारत करने और इनको एजाज़ दिलाने के लिए उनसे दरख्वास्त करिए, हमारी तरफ से आपको दरख्वास्त। मेरे भाई, वही बात है कि हम जो काम करते हैं या कोशिशें करते हैं उनका चर्चा नहीं करते। बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों को यहाँ पे ये मालूम नहीं था, 27 दिसंबर तक ये मालूम नहीं था कि ऐसे इनको अगले दिन एजाज़ मिलने वाला है, मिल गया तो सबको पता लग गया। इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हम बहुत पहले लिख चुके हैं ये चीज़, कह चुके हैं कि जी इस तरह ये वाकया हुआ है। और जब ये एकेडमी ऑफ एथेंस ने हमें ऐलान कर दिया था, हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसे सेरेमनी में इन दो को भी चुना गया है, तो तब भी हमने अपनी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था और ये उनको रिकमेंड किया था कि पाकिस्तान की हुकूमत भी इनको कोई एक्नॉलेज करते हुए इनकी कुर्बानी को किसी तरह का कोई एजाज़ दे। अब मैं उनको एक रिमाइंडर, ये आपकी जो दरख्वास्त है इसके बाद एक रिमाइंडर इशू करूंगा कि जी आप इस पे हमें कोई जवाब दें कि आप कर रहे हैं। सर, पहले तो असल में ये था ना कि जब आपने उनसे कहा उस वक्त तक उनको एजाज़ मिले हुए नहीं थे, वही कह रहा हूं, कोशिश थी, तो अब चूंकि मिल गए अब ज्यादा उसको सूरत के साथ और ताकत के साथ उसको ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत। हक बनता है कि इनको अगर एक फॉरेन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है तो अपनी गवर्नमेंट को तो पहले करना चाहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर होगा। ठीक है सर, ये तो हो गई उन दोनों शहदा की बात कि जिन्होंने पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों का सर इस लिहाज से फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि उन्होंने मकामी माशरे के लिए अपनी जानें अल्लाह ताला के हवाले कर दी, सुपुर्द कर दी और अपनी जानों से गए। कलमी आपकी होती है, आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ था हुमायूं और वकार के एजाज में, उसमें भी कुछ पैसे इकट्ठे हुए थे जो इनके लोहाकीन को दे दिए गए थे। और अब ये 5,000 यूरो भी डायरेक्ट, मैंने उनको कहा है कि इनके बैंक बैलेंसेस हम दे रहे हैं, एकेडमी डायरेक्ट उनके घर वालों को पहुंचाएगी। लेकिन जब ये वाकयात हुए, आपकी यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई सरबराही कोई नहीं कर रहा था, इलेक्शंस आपके नहीं हुए थे, कोई सदर नहीं था, अब माशाल्लाह आपके कम्युनिटी के इलेक्शंस भी हो गए हैं और इसी प्रोग्राम की वसादत से मैं जो आपके नए सदर मुंतखब हुए हैं
मलक मजीद साहब, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपने तौर पर एफर्ट्स करें कि इन दो नौजवानों के लिए और भी मजीद कोई प्रोग्राम किए जाए, इवेंट्स तैयार किए जाए। लेकिन सर जहाँ तक हमारी मालूमात है, इकट्ठा किया जाए और उनको दे रहे। सर हमारी मालूमात के मुताबिक उनकी जब डेड बॉडीज यहाँ से पाकिस्तान भेजी गई थी तो जो हमारी पाकिस्तानी बरादरी की और उसके ग्रीक मालकान की जो कंट्रीब्यूशन थी वो तमाम उनकी जो डेड बॉडी भेजने के अखराजात करने के बाद जो है ईच 1800 यूरो जो बचे थे वो उनके घरों में गए थे। और उसके बाद उस वक्त के जो सदर थे जावेद असलम अरानी साहब, उनके तवसुत से किसी ग्रीक खातून ने, किसी शायद तंजीम की थी या वकील थी, उन्होंने भी 1500 यूरो फी का जो है उनके घर में पहुंचाया था। उसके बाद फिर क्रिकेट इवेंट हुआ और उसके बाद अब ये हुआ। तो ये हमारी मालूमात के मुताबिक है, लेकिन इसके अंदर मजीद अभी, लेकिन अब 28 दिसंबर के बाद ये खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि अब ये शुरू हुआ। सही माने में पावरफुल शुरू हुआ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब जो नए सदर मुंतखब हुए हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी कोई ऐसे इवेंट्स करें जिनमें फंड्स जनरेट हों ताकि उन तक। लेकिन सर मेरी दरख्वास्त फिर दोबारा पलट कर आपकी तरफ आती है, फंड्स तो जनरेट हो जाएंगे लेकिन जब तक हम बतौर हुकूमत एक एहसास उनको नहीं देंगे पाकिस्तान में, वो भी उनको एहसास से नहीं नवाजेंगे तब तक उनकी वो कदर नहीं बनेंगे। सर आते हैं यूनान के हालात की तरफ। शहीद तो चले गए, जिंदा रहेंगे और हमेशा जिंदा हैं वो, और अल्लाह ताला ने उनको एक बुलंद मकाम अता किया है। यूनान के जो हालात हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं, क्योंकि आप एकदम से जब कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई बयान देते हैं, किसी इवेंट में नज़र आते हैं तो बड़ी इनकलाबी सी बातें आपके सामने आती हैं, उसके बाद फिर आप एकदम से या गायब हो जाते हैं या मीडिया आपसे दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उन बातों पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर जब आप आए थे उसके एक साल बाद तकरीबन आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर पाकिस्तान से PIA लाने की बात की थी, और उसके अंदर आपने सफारतखाने पाकिस्तान की बिल्डिंग शिफ्ट करने की बात की थी, उसके अंदर आपने नीचे जो लोग खड़े होकर सारा दिन धूप और सर्दी में जलील होते हैं, ख्वार होते हैं, उनकी हेल्प करने की बात की थी कि इनको इज्जत से जगह दी जाएगी, उसके अंदर आपने पाकिस्तान के बैंक की बात की थी, लेकिन क्या वजह है कि इतना अरसा गुजरने के बाद हम एक भी पेशरफ्त आज तक नहीं देख पाए जो मुकम्मल हो सकी। चार बातें आपने की, चार पांच जो आपने चार पॉइंट्स आपने रेज किए, मैं इन चार में एक दो का खुद इजाफा कर दूंगा जो आप भूल गए। जी जी, पहली बात आपने क्या कही बताइए। PIA मैंने लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, PIA की ना, मैं बारी बारी जवाब दूंगा। अब ये जो चारों पॉइंट्स आपने उठाए ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक है ना। मैं हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ इस मुल्क में और अपनी सिफारिशात पेश करता हूँ हुकूमत को कि ऐसे किया जाए। मैं भी क्योंकि मैं इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेट इज़ द आइज एंड ईयर्स ऑफ हिज गवर्नमेंट, जो सुनता है या जो देखता है या जो महसूस करता है वो अपनी हुकूमत को बताता है और अपनी सिफारिशात देता है उन चीज़ों को, अगर कोई मसाइल हैं उनको हल कैसे किया जाए। फैसला वो नहीं करता, फैसला हेडक्वार्टर करता है जो इस्लामाबाद बैठा। पहली बात थी PIA की, मैं बहुत महसूस करता हूँ कि यहाँ PIA की बाकायदा परवाज़ होनी चाहिए। फिर हमें पता लगा कि जी, और हमारी कोशिशों के बाद कि PIA का एक डेलीगेशन यहाँ आ रहा है, जो आए भी थे, आज 2 साल हो गए इस बात को, दिसंबर में आए थे 2 साल पहले और फिर मार्च में आए, उन्होंने यहाँ जो उनके पहले GSA थे, जनरल सर्विस एजेंट, उनके साथ उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिन्यू किए। हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमें ये एक दिलासा दे गए थे, वो वादा कर गए थे कि मार्च 2011 में PIA की परवाज़ यहाँ शुरू हो जाएगी। और ख्याल ये था कि जो PIA की परवाज़ बार्सिलोना जाती है, और यही हमारी प्ली थी उनको कि एक अलहदा जहाज़ हमें नहीं चाहिए क्योंकि PIA की फ्लीट इस वक्त सुकड़ रही है, छोटी हो रही है, खसारे में जा रहा है PIA। ये एक्सपेक्ट करना उनसे कि वो एक जहाज़ इस्लामाबाद और एथेंस के दरमियान मखसूस कर देंगे, ये बड़ी एक मुश्किल बात थी। हम चाहते थे कि जो बार्सिलोना फ्लाइट जाती है वो यहाँ एथेंस टच डाउन करके जाए, और जो इस सिलसिले में एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए ग्रीक अथॉरिटीज़ के साथ वो ऑलरेडी साइन हुए हुए हैं। 5th Freedom Rights उनको कहते हैं, टेक्निकल वर्ड है। नए सिरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि एक ज़माने में PIA आती थी, उस वक्त से यह सारा कुछ हो चुका है।
वो हमें वादा भी कर गए थे, दिलासे भी दे गए थे, लेकिन वक्त के साथ क्योंकि पीआईए खसारे में मजीद जाना शुरू हो गई। बार्सिलोना 3 परवाजें हफ्ते में उनकी चलती थी, अब एक हो गई है, तो इसी वो खुद पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि हमें ऑलरेडी लॉसेस हो रहे हैं इधर आने से, क्योंकि जब एक जहाज लैंड करता है किसी भी एयरपोर्ट पे तो उसको एयरपोर्ट चार्जेस और खासे ज्यादा उसके टैक्सेस देने पड़ते, टैक्सेस और बाकी अखराजात उठाने पड़ते हैं, उससे वो शायद इस वक्त वक्ती तौर पे रुक गए हैं, लेकिन ये नहीं कि हम भूल गए हैं इस बात को। लेकिन सर पैसेंजर तो कम नहीं है, फ्लाइट तो फुल जाती है हमेशा। ठीक है, ये देखो अगर एक या दो फ्लाइट अगर पीआईए को, तो मैं नहीं समझता, मैं नहीं कहता कि दो फ्लाइट हूँ, मैं कहता हूँ कि पीआईए की एक फ्लाइट भी हफ्ते में हो शुरू हो जाए, उससे वो फिर खुद अंदाजा करें कि उन पे कैपेसिटी कितनी है और मजीद बढ़ाना चाहें तो दो कर दें, एक तो होनी चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब है कि आपने अपना काम कर दिया है, अब ये ओवर टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ना है, सिर्फ काम कर दिया है बल्कि याद दहानी उनको कराते रहते हैं हम। 100 मई 100 के कुछ माह पहले की बात है, यहाँ हमारी स्पीकर नेशनल असेंबली की डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा तशरीफ लाई थी, एथन शहर नहीं आई, वो अल्बेनिया जा रही थी, उनका स्टे था, ट्रांजिट था एयरपोर्ट पे, वो ट्रांजिट लंबा हो गया क्योंकि उन दिनों एयरपोर्ट वाले स्ट्राइक गो स्लो स्ट्राइक पे थे, तो जो ट्रांजिट उनका 2.5 घंटे का होना था वो कोई महला 7 घंटे का हो गया था, तो वीएपी लाउंज में बैठे हुए उनसे ये बहुत सारी हमारी बातें हुई, उन्होंने भी ये पीआईए का जिक्र भी हुआ, एम्बेसी का मूव करने का भी, और भी बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने भी वादा किया था कि वो जाके कोशिश करेंगे। सो कहने का सिर्फ मतलब ये कि हम पीछे नहीं हट गए या हमने कोशिशें खत्म नहीं कर दी। सर लाजमी तौर पर इसी से मिला जुला जवाब आपका एम्बेसी के बारे में भी होगा। मैं आगे मुझे बारी बारी आपने सवाल किया, अच्छा, मुझे भी तो वक्त दें। सो ये नाउमीद में अभी तक नहीं हुआ, इंशाल्लाह पीआईए, दुआ करें कि पीआईए को अल्लाह कामयाब करे और ये जो मुकाम पीआईए को हासिल था 10-15 साल पहले वो फिर से मिल जाए, ताकि यहाँ भी उनकी परवाज शुरू हो जाए। ये तो आपकी पहली बात, दूसरी बात हो गई आपकी एम्बेसी को शिफ्ट करने की। जब मैं इधर आया तो सबसे पहले जो धचका मुझे जहनी तौर पे लगा था वो एम्बेसी के हालात देख के लगा था, वर्किंग कंडीशन नहीं, जो एम्बेसी के फिजिकल एसेट्स हैं, और वो एक फारसी की मिसाल है, मैं फारसी में तो नहीं कहता ताकि आपके नाज़रीन समझ सकें, मैं उर्दू में इसका कोई मफहूम ऐसे बनता है कि तेरी खूबी ही तेरी खामी बन गई, बन गई। तो ये बिल्डिंग हमारी अपनी है, ये जो जो जिस हिस्से में हमारी एम्बेसी है, पूरी बिल्डिंग नहीं, ये फ्लोर हमारा अपना है, ये कोई मेरा ख्याल है 1976 या 77 में ख़रीदा गया था, जब गालिबन पाकिस्तानियों की ग्रीस पूरे में तादाद 300 या 350 थी, उस वक़्त की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ गई, एक तखमीने के मुताबिक कोई 90,000-80,000 को 1,00,000 बताता है। तखमीने को छोड़ें, आज आप हमें बता ही दें आपका ऑफिशियल क्या काउंटिंग है, क्या सफारतखाने पाकिस्तान के पास कोई ऐसी काउंटिंग मौजूद है कि उससे पता हो कि हमारे लोग यूनान में कितने हैं? बाद में करना सवाल, पहले मैं आपके असल में रिलेटेड आ गया ना, तो मैं चाह रहा था पहली बात का तो जवाब दे दूं। सो मैंने आके पहला काम जो शुरू किया था वो एम्बेसी की ट्रांसफर का था, कि यहाँ से इस बिल्डिंग को हम किराए पे दे दें, किराया भी आता रहेगा और एक कुशादा जगह पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले मुझे इजाज़त दे दी कि आप बिल्डिंग ढूंढ लें किराए पे, हमने ढूंढनी शुरू कर दी और मिल गई, कोई 2 महीने की कोशिश के बाद ऐसी बिल्डिंग ढूंढ रहे थे हम जो कुशादा भी हो, जिसकी बेसमेंट कम से कम इतनी बड़ी हो कि अगर हम कोई फंक्शन अपना कराना चाहते हैं, 150-200 बंदा वहाँ जमा करना चाहते हैं, वो भी हो सके, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क से या मेट्रो या बस के स्टॉप से नज़दीक भी हो, ताकि जो दोस्त हमारे पाकिस्तानी काम के सिलसिले में एम्बेसी आते हैं उनको तकलीफ ना हो। वो मिल गई, जब मिनिस्ट्री को लिखा कि जी इतने पैसे भेजें ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो बजट नहीं है। फिर हिम्मत नहीं हारी, रिमाइंडर उनको देते रहे कि बजट नहीं है तो निकालो भाई, क्योंकि ये तो ज़रूरी है। उन्होंने फिर जवाब हमें दिया कि नहीं आप किराए पे ना लें, आप खरीद लें बिल्डिंग। अच्छा,
तो हमने फिर कोशिश शुरू कर दी कि भाई पहले तो किराए के लिए ढूंढते थे, अब खरीदने के लिए ढूंढने। इत्तफाक की बात है, वही बिल्डिंग जो हमने पसंद की थी, मालिक मकान ने कहा जी मैं बेचने को तैयार हूँ, आप ले लें। तो जब एस्टिमेट्स बना के भेजे, वो को बनते थे 3 मिलियन यूरो बिल्डिंग के खरीदने के, स्टेट एजेंट की कमीशन, लॉयर को जो देनी, सारे जो पेपर वर्क मिला के इतना। जब उन्हें बताया कि जी 3.25 मिलियन के करीब बनता है, इसको तोड़ ताड़ के हम और नीचे उसको लाएंगे, कीमत कम करें, तो 3 मिलियन तो लगभग खर्चा आएगा। फिर उन्होंने कहा हमारे पास तो ये भी पैसे नहीं है। उसके बाद मुझे याद पड़ता है कि एक रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी, जिनका नाम आप सबने सुना होगा और उनको टीवी पे देखा भी होगा, क्योंकि रिटायरमेंट जब वो फॉरेन सेक्रेटरी थे तब भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे, रिटायरमेंट के बाद भी वो अक्सर टीवी शोज में, टॉक शोज में आते रहते हैं, रियाज हुसैन खोखर साहब, वो यहाँ तशरीफ लाए। उन्होंने रोड्स आइलैंड जाना था किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, तो कुछ घंटे का उनका स्टे ओवर था। मैं उनको एम्बेसी ले आया, मैंने कहा जी पहले चाय आपको बाद में पिलाऊंगा, पहले आप एम्बेसी का एक राउंड करें। और उनके अल्फाज थे कि इतनी बुरी हालत में मैंने पाकिस्तान की कोई भी एम्बेसी बाहर किसी मुल्क में नहीं देखी, सबसे बुरी हालत इसकी इसकी, क्योंकि जगह छोटी है ना, और हर कमरा है वो स्टोर हाउस बना हुआ है, कोई पासपोर्ट वगैरह रिकॉर्ड कोई फॉर्म्स जमा हुए, वक्त के साथ साथ वो अंबार बड़े होते गए। मैंने उन्हें कहा सर मेरी आपसे गुजारिश है, जब आप इस्लामाबाद वापस जाएंगे यही जो बात आपने मुझे कही है ये फॉरेन सेक्रेटरी को कर दीजिएगा। फिर मैंने पूरी एम्बेसी की तस्वीरें खींची और नीचे जो हजूम रहता है पाकिस्तानियों का उनकी भी तस्वीर बनाई और वो सारी भेजी। इंग्लिश में कहते हैं ए फोटोग्राफ स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, और यही बात मैंने उधर उनको लिखी कि आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर सकते तो ये देखो तस्वीरी सबूत आपको भेज रहा हूँ, हमें खुदारा पैसे दें कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाए। सो बात जो मैंने पहले की कि कोशिश हमारी है, फैसला उनका है, अभी तक हमने हिम्मत नहीं हारी, हम पीछे लगे हुए हैं। आज बर्फ पड़ रही है बाहर, अब मुझे ये तकलीफ है कि बंदे बाहर बर्फ में खड़े, वो गर्मी धूप में भी खड़े होते हैं, वो बारिश में भी खड़े होते हैं, मुझे तकलीफ है इस चीज़ की, मुझे एहसास है इस चीज़ का, मैं मेरे इख्तियार में नहीं है कि मेरा इख्तियार में हो बखुदा मैं कल शिफ्ट हो जाऊं, एक अच्छी जगह पे चले जाऊं जिधर ये बेइज्जती है मेरी के पाकिस्तानी बाहर फुटपाथों पे खड़े। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास, दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ, बातमात नाम बातमात सर्विस, दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ, पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी सिंपल फास्ट और तेज तरीन, एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। एमटाज ट्रेवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महजब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम बाएतमाद काम, इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें, आपकी सहूलत व रहनमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। और अब यूनान में फ्रॉग की फखरिया पेशकश, बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉग टू फ्रॉग 300 मिनट फ्री किसी भी नेटवर्क से, फ्रॉग नेटवर्क पर मुंतकिल नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉग नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने वो भी गारंटी के साथ। अब आपकी बात का जवाब देता हूँ कि कितने हैं पाकिस्तानी, अब बनता है जवाब। ये मुश्किल काम है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे पास जो मौजूद है रिकॉर्ड फिलहाल हम उसको फीड कर रहे हैं कंप्यूटर में, और ये हमने सिलसिला शुरू किया था 15 मार्च 2011 को, यानी अभी साल भी नहीं हुआ इस बात को, 10 महीने पहले किया था। और मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है, बल्कि फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अब तक
14,362 माशाल्लाह लोगों का, इंक्लूडिंग फैमिलीज, फैमिली जो है 5 अफराद हैं तो एक शामिल हो रहा। अच्छा, एक शामिल हो रहा है। सो वो 805 फैमिलीज हैं इसमें। तो उनका भी इंडिविजुअल होना चाहिए ना, अलग अलग वो है, लेकिन उसको एक फैमिली के तौर पर काउंट कर रहे हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटराइज आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, सरबरा के नाम से सारी फैमिली का रिकॉर्ड मिल जाता है ना। सो 805 फैमिलीज हैं और 13,557 मुख्तलिफ अफराद हैं इंडिविजुअल। तो टोटल 14,362 हमने ये अब तक लोग आपने इंदराज हम कर चुके हैं, और लोगों को पता भी नहीं इस बात का हम कर रहे हैं। अब हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है लोगों का, उससे हम ये लेके कर रहे हैं। अब तीसरी बात आपकी, या चौथी हो गई थी बैंक की, दिसंबर के पहले हफ्ते में, आज से एक महीना पहले एक वफद आया था बैंकर्स का पाकिस्तान से, और मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन जो उस वफद के चेयरमैन थे, फर्स्ट क्रेडिट एंड कॉमर्स बैंक ऑफ पाकिस्तान, या क्या नाम उन्होंने रखा, उसके फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके चेयरमैन है वो मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, उसकी वसातत से मेरे साथ मेरे से मुलाकात करने आए थे। उनके साथ नेशनल बैंक के भी दो साहिबान थे, उनसे भी मैंने डिटेल में ये बात की। वापस जाके उन्होंने मुझे ईमेल किया कि मैं ये भूलूंगा नहीं बात, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि किसी न किसी बैंक की यहाँ ब्रांच खुल जाए। तो मेरे भाइयों, कोशिश जारी है। और इस सिलसिले में एक और बात जो आपने जिक्र नहीं किया, वो भी मैं करती हूँ। मैंने एक और बात कही थी कि मैं इधर एक अफसर तैनात करवाना चाह रहा था, और ये कोशिश मैंने इधर आने से पहले ही शुरू कर दी थी। जो कम्युनिटी वेलफेयर अटैशे कहलाता है, और हमारी जहाँ भी जिस मुल्क में कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है वहाँ वो पोस्टिंग होती है, कि यहाँ पे नहीं थी क्योंकि वक्त के साथ साथ तादाद बढ़ी है, वो मेरी कोशिश थी। और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस होती है कि वो कोशिश कामयाब हो गई। और हमें 2 महीने पहले बताया गया था कि वो पोस्ट क्रिएट, 4 दुनिया में ऐसे एम्बेसीज हैं जहाँ पे उन्होंने ये पोस्ट अब क्रिएट की है, जिनमें से एक एथेंस है। आज सुबह मुझे खबर मिली, उस शख्स का नाम भी मिल गया जिसको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब जगह की तंगी है, लेकिन दिल कुशादा हैं, उसको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे जब आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले 2 माह के अंदर अंदर एक कम्युनिटी वेलफेयर अटैशे, एक पूरा अफसर जिसका हर वक्त काम सिर्फ ये होगा कि वो कम्युनिटी के साथ रिलेटेड इश्यूज से डील करे, वो यहाँ पोस्ट हो जाएगा। सर, कितने चांसेस हैं कि कम्युनिटी वेलफेयर अटैची के यहाँ पर आने के बाद जो डेड बॉडीज का मसला है वो हमारी बरादरी में से निकल जाएगा, वो हैंडल कर लेंगे उसको? देखिए, डेड बॉडीज का जो मसला है उसके लिए हमारे पास कोई अलहदा से फंड नहीं है। और ये मैं बड़ी क्लियर कर दूँ बात, क्योंकि पहले भी इशू रेज किया है। हम जब आपसे जो भी इधर किसी काम के सिलसिले में आता है, जो फी लेते हैं उससे, फीस जो लेते हैं, वो पासपोर्ट रिन्यूअल की हो या किसी अटेस्टेशन की हो, उसका बहुत छोटा एक परसेंट हम अपने परसेंटेज अपने पास रखते हैं गवर्नमेंट की इजाज़त से, और वो इस किस्म के इश्यूज पे खर्च होता है। वो इतना ही होता है कि साल में चंद एक आप डेड बॉडीज भिजवा सकें। लेकिन सर, एक ऐसा ज़माना भी था जब मुसलसल 3-4 साल तक सफारतखाना ही उसको सपोर्ट का सपोर्ट करता रहा। ठीक है, फंड्स आखिर थे, ठीक है बात, वही फंड्स एक्युमुलेट हुए होंगे ना, ये फंड लैप्स तो नहीं कर जाता ना साल के बाद, के बजट खत्म हुआ तो फंड भी खत्म हो गया। जो फंड है वो जमा हो, जैसे बैंक बैलेंस है आपका, जितनी सेविंग करते जाओगे वो जमा होता रहता है, उस तरह वो पैसे जमा हुए हुए थे जो खर्च हो गए। अब ये है कि जो खाते पीते अफराद हैं कम्युनिटी में, वो मिलजुल कर चंदा इकट्ठा करते हैं और इस ये डेड बॉडीज के भिजवाने का बंदोबस्त करते हैं। जहाँ वो अटक जाते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं। कम्युनिटी वेलफेयर अटैशे के आने से सहूलत तो वो फ्राहम करेगा, अटेस्टेशन में ये वो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन फंड्स तो उसके पास अलहदा से नहीं होंगे ना, फंड्स तो जो हैं वो ही होंगे। सो बहरहाल इसको भी हम सोच रहे हैं कि किसी तरह ये परसेंटेज फंड्स की बढ़वाई जाए, ताकि इसका हम पूरी जिम्मेदारी एम्बेसी अपने ऊपर ले सके। सर, आप हमेशा एक और बात मुझे करने दें, जो आपने वो 4 नुक्ते जो उठाए थे नकात, उनमें नहीं कही थी। मैंने एक और वादा किया था,
मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स का जी जी, फिर मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है, फख्र महसूस हो रहा है कि 3 माह पहले नादरा की एक टीम यहाँ आई थी जो अपनी सारी मशीनरी, अपने कंप्यूटर्स वगैरह हर चीज़ यहाँ नस्ब कर गए हैं। अब उनके स्टाफ की भी सिलेक्शन हो रही है पाकिस्तान में, जब सिलेक्शन का मरहला ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह उनकी नादरा की यहाँ टीम भी आ जाएगी और ये जो एक मसला है मशीन रीडेबल पासपोर्ट के ना होने का, वो भी हल हो जाएगा। चले सर, लेकिन वो कब आती है टीम, ये अगेन मेरे अख्तियार में नहीं है। आपके अख्तियार में मशीनें लगवाना जो था वो आपने कर दिया, सब कुछ हमने कर। अब ऐसा ना हो सर उनके आने तक ये मशीनें बूढ़ी हो जाए बेचारी पड़ी पड़ी, ये मैं कह नहीं सकता इस चीज की मैं गारंटी दे नहीं। और भी किया था इसके अलावा, आपने बार पब्लिक में वादा और भी किया था, क्या पाकिस्तान से किसी कोच को बुलवाने वाले हैं सफारत खाने के खर्चे पर, क्रिकेट कोच के, क्रिकेट कोच, वो नहीं आया अभी तक। ये मैंने देखें, बात फिर वही है कि मैं सिफारशात पेश कर सकता हूं और अमल दरामद उन्होंने उधर से करना है। सिर्फ क्रिकेट कोच की बात नहीं थी, एक कल्चरल ताइफे की बात भी हुई थी, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं। अब मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि इस हफ्ते को इंडियन एम्बेसी वाले एक फूड फेस्टिवल भी करवा रहे हैं और बॉलीवुड से कोई उनका ताइफा आ रहा है उसका प्रोग्राम भी करा रहे हैं। ये इनविटेशन मेरी टेबल पे पड़ा हुआ है, मुझे शर्म महसूस हो रही है कि उन्होंने करा लिया हमने। उससे पहले थाईलैंड ने फूड फेस्टिवल किया, उससे कुछ 1-1.5 महीना पहले इंडोनेशिया ने फूड फेस्टिवल किया, बल्कि दूसरी दफ़ा किया, पिछले साल भी किया था, और उन्होंने फैशन शो और उन्होंने भी सारा ये कल्चरल शो भी किया था इंडोनेशिया वालों ने। हमें भी करना चाहिए कल्चर की अपने की प्रमोशन के लिए, हमें ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए, फूड फेस्टिवल भी और ये ताइफे की भी, इधर कल्चर की इंट्रोडक्शन हो। हुकूमत के क्या मसाइल हैं, बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं या क्या हैं? मेरे सर, आपने जितनी काशें की माशाल्लाह बड़ी अच्छी की, हमारी पाकिस्तानी बरादरी यूनान में उन खबरों से बड़ी उस वक्त खुश हुई थी, और आपको पता है कि बबलू भी खुश हुआ था आपके इन फैसलों से कि आपने PIE भी ले आई, आपने बैंक के लिए भी काविशें शुरू कर दी, आपने सफारत खाने को तब्दील करने की बात कर दी, ये तमाम काविशें आपने की और बड़ी अच्छी काविशें थी, और आप कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियार में कि इन पर अमल करें ना करें, जाहिर है कि इसमें आप बेबस हैं, लेकिन एक बात आपके अपने इख्तियार में थी जो आपने वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया। मैं वो भी आपको याद कराता हूँ कि आपने ये कहा था बरमला कि मैं नाम नहाद लीडरों के कहने पर जो है कहीं पर नहीं आऊँगा, आप सब मिलकर एक सदर को मुंतखब कर लें तो मैं उसका हलफ उठाने के लिए बजात खुद आऊँगा, और उस बात को हमने हाईलाइट भी किया था। ये तो आपके इख्तियार में थी, आपको आसिफ सरदारी ने मना नहीं किया था, आपको राजा परवेज साहब ने मना नहीं किया था, आप उस सदर का हलफ लेने के लिए भी नहीं आए, इस पर आप क्या कहेंगे? एमटाउस ट्रेवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महजब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ, बाएतमाद नाम बाएतमाद काम, एमटाउस ट्रेवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें, आपकी सहूलत व रहनमाई के लिए हाजिर खिदमत। अम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। और अब यूनान में फ्रॉग की फखरिया पेशकश, बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉग टू फ्रॉग 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉग नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉग नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। अब फ्रॉग का एक और धमाका, 10 यूरो के टॉप अप पर पाकिस्तान 125 मिनट और 300 मिनट यूनान के किसी भी नेटवर्क पर बिल्कुल फ्री। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास, दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ, बातमाद नाम बातमाद सर्विस, दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ, पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। मैं नहीं आया, उसकी कुछ वजूहात थी जिनकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, और वो साबित हो गई, और मैं समझता हूँ मेरा ये फैसला सही था कि मैं उनके हलफ बर्दारी में नहीं। बता दें हमारे नाज़रीन को सर कि क्या वजूहात थी, ताकि लोगों के अंदर
एक इबाम ये पाया जाता है कि आप वादे करते हैं पूरे नहीं करते। ऐसी बात पता चल, अगर ख्याल है किसी का कि मैं वो शख्स हूँ जिसमें दो चीजें हैं जो मैंने अपने आप को ट्रेन किया, जिसमें एक वक्त की पाबंदी, मैं लेट नहीं होता जब किसी को टाइम दूं। ठीक है, आपके एक दोस्त ने कॉलम भी लिखा कि जी फलाने फंक्शन पे 40 मिनट इन्होंने हमें इंतज़ार करवाया, वो जानबूझ के मैंने करवाया। जब पाकिस्तान डे का कोई फंक्शन होता है या कोई और ऐसा फंक्शन होता है तो एक टाइम दिया जाता है लोगों को आने का, और वो इतना टाइम दिया जाता है कि उस वक्त जब फंक्शन शुरू हो तो सारे मौजूद हों। जी अगर मैं 10 बजे का टाइम देता हूँ और 10:05 पे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो 10 अफराद होंगे, बेइज्जती मेरी तो नहीं होगी, बेइज्जती पाकिस्तान की होगी कि पाकिस्तान डे का फंक्शन था तो इसमें 10 लोग बैठे हुए थे और फंक्शन शुरू हो जाए फिर लोग आते जाएं, वो भी अच्छा नहीं लगता, मायूब लगता है। सो वो टाइम ऐसे ही दिया जाता है, चीफ गेस्ट को हमेशा थोड़ा देर में वक्त दिया जाता है कि लोग बैठ जाएं। किसी आपके एक दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया अखबार में कि जी देखें ये सफ़ीर वक्त की पाबंदी की तलकीन करता है सारों को, खुद ये 40 मिनट लेट आया, मैं जानबूझ के लेट आया था, मुझे इसमें कोई वशर्म नहीं है बताते हुए, अपने आप को मैंने ये ट्रेन किया है, कभी मैं एक मिनट लेट नहीं होता जब किसी को टाइम देता हूँ या अपॉइंटमेंट देता हूँ। दूसरा, जो मैं वादा कर लूँ उसको पूरा करता हूँ। अगर उसमें हलफ नहीं लिया सर आपने, हलफ नहीं लिया, उसकी वजह आपको बता दी ना, उसकी वजूहात थी जो बाद में जो मेरे पास खबरें पहुंची अखबार के जरिए और बाय वर्ड ऑफ माउथ, मैं समझता हूँ मेरा फैसला दुरुस्त था। लेकिन हमारे लिए बता दें ताकि हमें भी पता चल जाए। लेकिन उसके बावजूद बाद में मलिक मजीद साहब जो सदर इलेक्ट है, मैं इज्जत करता हूँ उनकी, तीनों में से कोई भी जीत जाता है मेरे लिए सब बराबर है। कि मुझे ये कई लोगों ने मेरे से पहले सवाल किया था जी आप तीनों में से किसको चाहेंगे, मैं तो नहीं किस ये कह सकता, आवाम चाहेगी जिसको भी चाहेगी, आपने वोट डालना है, आपने इलेक्ट करना है, मेरे लिए तीनों बराबर हैं। वो आए अपने इधर कुछ दिन पहले मुझसे यहाँ मिल के गए हैं, अपने जो जनरल सेक्रेटरी और ये वो फलाना, क्योंकि मेरे 5 लोग उनके साथ और थे, मुझसे मिल के 3 घंटे 2.5 घंटे मेरे पास यहाँ बैठे रहे हैं, तफसील से उनके प्रोग्राम क्या होंगे और क्या बातें होंगी, क्या वो करेंगे, क्या मंशूर है, सारी बातें उनसे हुई। मतलब वर्किंग रिलेशनशिप आपका रहेगा उनसे? क्यों नहीं रहेगा, करेंगे सर, बस ऐसा कोई साहिबा तो नहीं कि जैसे आप अलफ में नहीं है तो शायद आप उनको पीछे करने। मैं ये वाजे कर दूं यहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा जी हम अपना दफ्तर खोलना चाह रहे हैं और पता नहीं कोई तारीख बताई, आजकल शायद खुल गया या खुलने वाला है उनका, उसका इफ्तिताह आप आके करें। मैं क्या, मुझे बताएं कि मुझे आप किस हैसियत से उस इफ्तिताह के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने कहा सरपरस्त आला और मेहमान खसूसी के तौर पे। मैंने कहा हजूर 2 हफ्ते पहले के अखबार उठा के देख लें, आपने अपना ही सुप्रीम लीडर, अपना ही चेयरमैन और अपना ही सरपरस्त आला मकर्रर किसी और को कर दिया है। 2 सरपरस्त आला नहीं होते, जब एक आपने मकर्रर कर दिया है तो मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, मैं उसके ऐसे होता नहीं ना, आयतुल्ला तो एक ही होता है, वो आपने मुकर्रर कर दिया, लिहाजा मेरी वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया। और अभी आपकी बात जो आप बार बार जिद कर रहे हो, मुझे पता था ऐसा होगा इसलिए मैं उनका हल्फ बर्दाश्त। आपको पता था कि वहाँ पर साबिक सदर को सुप्रीम लीडर बना दिया जाएगा, इसलिए सुप्रीम लीडर नहीं होगा, लेकिन इस तरह की कोई बात होगी ये मुझे पता था। और अगर आपकी उम्र मेरे जितनी जब हो जाएगी और आपका वो तजर्बा होगा जो मेरा हो चुका है अब तक, तो आपको भी पता लग जाया करेगा इन बातों का। इस वजह से मैंने कोताही की थी और मैं नहीं गया था, अब क्लियर हो गई बात। मतलब ये लेकिन तो आपने बात की वर्किंग रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा मैं उनसे रिलेशनशिप चाहता हूँ। बल्कि आपके आने से 20 मिनट पहले उनका मुझे फोन आया था, मलिक मजीद साहब का, और मेरे से वो बात कर रहे थे कुछ अपने ये प्रोग्राम वगैरह के सिलसिले में, कुछ और चीजें थी। तो फिर अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर मैं आपको 15 मिनट बाद टेलीफोन कर लूँ। मैंने कहा क्यों भाई, बात क्यों काट रहे हो? उन्होंने कहा मैं डॉक्टर के पास बैठे हूँ, मेरी बारी आ गई, तो आप ये मेरे पीए से पूछें, ये आपके आने से चंद मिनट पहले की बात है। तो मैंने उसको कहा कि अब मलिक मजीद साहब का फ़ोन आएगा, उन्हें कहना मैं मीटिंग में हूँ, जब फारग होऊंगा मैं खुद उनको फ़ोन कर लूँगा। ठीक, ये तस्दीक आप उससे भी कर सकते हो और मेरे पीए से भी कर सकते हो, और हो सकता है अब तक आ गया हो यहाँ सर आपकी बात। तो ये वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा, मैं चाहता हूँ उनसे बहुत बेहतर रिलेशनशिप हो। सर किस तरह होगा जब एक सुप्रीम लीडर एक सरपरस्त आला की मौजूदगी में आप हलफ लेने के लिए जा रहे, उसी सुप्रीम लीडर और उसी सरपरस्त आला की मौजूदगी में आप उस दफ्तर का इफ्तिताह करने के लिए नहीं जा रहे,
तो उसकी मौजूदगी में आप किस तरह से वर्किंग रिलेशनशिप करेंगे, या फिर कहीं आपका माइनस वन फार्मूला देने का कोई प्रोग्राम तो नहीं? कोई नहीं ऐसा प्रोग्राम। एज एन एम्बेसडर जो उनको मेरी गाइडेंस चाहिए, जो एडवाइस चाहिए, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि वो मेरे पास आए थे तो हमने बहुत सारी बातें की, उनको मैंने एडवाइस दी, जो गाइडेंस उनको चाहिए, जो तावन एम्बेसी का चाहिए, हम उनके साथ करने को तैयार हैं। लेकिन ना मुझे उन्होंने सरपरस्ते आला बनाया है, ना अपना सुप्रीम लीडर बनाया है, ना ही अपना चेयरमैन बनाया है, लिहाजा मैं तो उनको नहीं कह सकता ये करें या वो करें, उनकी मर्जी है, उन्होंने चुन लिया जिसको चुनना था। मैं बतौर एम्बेसडर मेरे पास आएंगे, अगर एडवाइस या गाइडेंस मांगेंगे तो मैं उनको जरूर सर दूं। अगर किसी शख्स को उन्होंने, या मैं स्पेसिफिक नाम ले लेता हूँ, साबिक सदर जावेद असलम राय को उन्होंने सरपरस्ते आला बनाया है, या उस हलफ बरदारी में मौजूद थे, तो उसकी मौजूदगी में आपका ना जाना मतलब क्या उनकी शख्सियत से कोई इख्तलाफ है? बिल्कुल नहीं, या कोई बिल्कुल नहीं है। उस तकरीब हलफ वफादारी में राइन साहब का मौजूद होना जरूरी था क्योंकि वह साबिक सदर थे जी, ठीक है ना, उस चीज़ से ना उनकी जात से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। अभी आपने फरमाया उनकी वजह से मैंने किया, उनको मुझे पता था ऐसे होगा, मेरी मौजूदगी में देखें, ये मैंने मलिक मजीद साहब को भी टेलीफोन पे यही बात बताई, मैंने कहा हमेशा, और ये मेरी को ना तो पहली पोस्टिंग है, आखिरी ज़रूर है क्योंकि इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा, पहली नहीं है। बहुत सारे मुल्कों में मैंने पोस्टिंग काटी है, बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिनमें बड़ी तादाद थी पाकिस्तानी कम्युनिटी की, जहां भी कम्युनिटी होती है और जहां भी कम्युनिटी के इलेक्शन या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमेशा उसका पैट्रन इन चीफ एम्बेसडर होता है, अपने लेटर हेड पे भी लिखते हैं पैट्रन इन चीफ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। वो इरफान राजा नहीं है, वो सफीर पाकिस्तान पैट्रन इन चीफ होता है। तो जब एक पैट्रन इन चीफ उन्होंने चुन लिया है, अपना बना लिया है, तो दूसरा पैट्रन इन चीफ नहीं होगा, नहीं होगा जब तक कि वो रहता है पैट्रन। सफीर साहब एक मामला और भी है हमारा, इससे पहले भी हम इस पर डिस्कस करते रहे कि जो मकामी एक तंजीम है खरीसीएफ की, गोल्डन डॉन जिसे कहा जाता है, उसकी कार्रवाइयाँ हनूज ख़त्म नहीं हो सकी, ना ही उन पर गिरफ्त की यूनान के किसी महकमे ने। आपने भी कहा था कि कुछ हम कोशिशें कर रहे हैं कि ये लोग ना कर सकें या इन पर काबू किया जाए, लेकिन वो कार्रवाइयाँ रोकने में नहीं आ रही। अब सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि पाकिस्तानियों के साथ साथ वो अरबी और दूसरे लोगों को भी ज़्यादा करने लग गए हैं, तो क्या इसका कोई हल नज़र आता है आपको, कुछ हो सकेगा या इसी तरह हम लोग मारे खाते रहेंगे? देखें, पाकिस्तानियों को टारगेट नहीं किया जा रहा। बांग्लादेशी एम्बेसडर जो चला गया पिछले महीने, वो इस चीज़ से बहुत तंग था। इंडियन एम्बेसडर ने मेरे साथ मीटिंग की कि ना मैं बहुत तंग हूँ, क्या करें। मिस्री एम्बेसडर ने मेरे साथ मीटिंग की कि जी मैम बहुत तंग हैं, ये मिस्रियों को निशाना बना रहे हैं। इंडोनेशियन एम्बेसडर तंग है, सारे जो गैर मुल्की हैं सबको डर, उनके सबको डर है, सबको निशाना बनाया जा रहा है। हमें महसूस ये होता है कि हमें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा है बाकियों की नस्बत। फ़र्ज़ करें कि हम मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ 1,00,000 हैं पाकिस्तानी, तो टोटल 1,000,000 है, यानी 10,00,000 हैं गैर मुल्की यहाँ पे, उनमें से 10% तो हम हो गए, बाकी 90% पूरी दुनिया के जी। सो हमारी प्रोपोर्शनेटली हम ज्यादा हैं, एक चीज, और है भी सेंटर में ज्यादा जहाँ भी हैं। तो जब 5 गैर मुल्कियों को निशाना बनाया जाता है तो उसी प्रोपोर्शन के लिहाज से पाकिस्तानियों का नंबर ज्यादा बनता है ना। दूसरा ये है कि पाकिस्तानी दोस्त हमारे शलवार कमीज पहनते हैं तकरीबन सारे, ख़ास तौर पे जो नवाही इलाकों में काम कर रहे हैं, उससे वो टारगेट जल्दी बन जाते हैं कि ये एक शनाख्त हो जाती है उनकी, ये अलग है। सो ये बात, मैं खुद बहुत परेशान था जब मुझे ये इतलात मिलनी शुरू हुई कि ऐसे गोल्डन डॉन वाले टारगेट, किलिंग्स तो नहीं कहता, किलिंग्स तो अल्लाह का शुक्र है 1-2 हुई हैं, लेकिन टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तानियों पे भी बाकियों पे भी। तो मैंने जिस से हो सकता था ये बात की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में हाईएस्ट लेवल पे की, उनका जो सेक्रेटरी जनरल है जो सबसे बड़ा ओहदा जिसके पास होता है उससे भी ये बात की, उसने मेरे साथ माजरत की थी इस बात की, और साथ ये भी मैं याद दहानी करा दूं कि जब वो गोल्डन डॉन वालों ने मिनहाजुल कुरान की मस्जिद पर अटैक किया था, ये भी मैंने उसको तस्वीरें भी दिखाई थी। ये देखें तस्वीरें हैं जो ग्रेफिटी वो गुस्ताखाना कलमात लिख गए हैं उसकी दीवार पे, तो उसने हुकूमत ग्रीस की तरफ से मेरे से माफ़ी मांगी थी। उसके बाद मेरी मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सिटीजन प्रोटेक्शन में, उनसे भी मैंने ये बात कही थी।
लेकिन अब मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पिछले एक डेढ़ महीने में आप इस चीज की गवाही दोगे कि ये अटैक्स कम हो गए। सर गुज़िश्ता एक दो हफ्ते में काफी वारदातें हुई हैं, लेकिन वही दूसरे मुल्क के लोगों के साथ चले, जो भी है, उन किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तानियों पे ना करो तो बाकी जाके मुमालिक के लोगों पे करो, मैं ये कभी नहीं कहूंगा किसी पे कम हो गई है, लेकिन बतदरीज कम हो गई हैं और अल्लाह करेगा कम होती जाएंगी। हैविंग सेड दिस, मैं ये बताता चलूं कि 8 तारीख को इस माह दो दिन पहले इनके मिनिस्टर ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सिटीजन प्रोटेक्शन एक 7 या 8 रुकनी वफद लेके पाकिस्तान गए। वहाँ पे उनकी मीटिंग्स अरेंज कराई हमने DIG के चीफ से, ISI के चीफ से, उनकी मीटिंग करवाई मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और उनकी मीटिंग करवाई रहमान मलिक साहब से मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से। यही बातें वहाँ डिस्कस हुई, हमने फीडबैक का भी इंतज़ार है क्योंकि दो दिन पहले तो ये मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन हमने उनको ब्रीफ अपनी अथॉरिटीज़ को डिटेल में तफसील में सारा कुछ बता दिया था। सर मिनाजुल कुरान की मस्जिद पर जो इन्होंने अटैक किया था और जहाँ पर इन्होंने जो गुस्ताखी के अल्फाज तहरीर किए और कुछ बदतमीजी जो की थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन हुआ था पाकिस्तानियों की तरफ से, उसके क्या असरात देखे आपने? मैंने इस जो मेरी एक बाद में मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी जनरल वजारत खारजा में, उसको इस जुलूस की भी तफसील बताई थी और बताया कि देखो अगर चाहें तो पाकिस्तानी मुश्तल हो सकते हैं क्योंकि वो अपनी ज़ात पे अटैक बर्दाश्त कर सकता है कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी मुसलमान, और हम इस मामले में इमोशनल ज़्यादा होते हैं, लिहाजा मैं पाकिस्तानी कहता हूँ इस्लाम के नाम पे कोई अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी मस्जिद पे कोई गुस्ताखाना कलामात लिख जाए या अटैक करे वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये मैंने कहा इतना बड़ा जो जुलूस निकला है पुर अमन रहे हैं वो, उन्होंने अपने इमोशंस को अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा है, अगर ये मुश्तिल हो गए तो एथेंस की गवर्नमेंट के लिए जो लोकल गवर्नमेंट है एथेंस की उसके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे, रुकना मुश्किल हो जाएगा। सो लिहाजा ऐसा ना होने दें, इस चीज़ को आप रोकें। यही बात मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजन प्रोटेक्शन में भी कही थी, यही बात दफ्तर खारजा में भी कही थी। यानी आपकी नज़र में वो एक कामयाब जुलूस था? बहुत ज़्यादा कामयाब जुलूस था, लेकिन मुझे फिर तकलीफ से ये कहना पड़ रहा है कि उसके बाद मुझे पता लगा कि एक और जुलूस के निकलने की तैयारी हो रही है। तो मैंने जो आपके, मैं बार बार नाम निहाद लीडर कहता हूँ क्योंकि जब तक ये मलिक मजीद इलेक्ट नहीं हुए मेरे लिए सारे बाकी लीडर नाम निहाद ही थे, सेल्फ अपॉइंटेड। नाम निहाद कोई गाली नहीं है, कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, इसका मतलब है सेल्फ अपॉइंटेड। कल को मैं अपने आप को लीडर कहना शुरू कर दूँ, परसों को आप अपने आप को किसी इलाके का लीडर कहना शुरू कर दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो सेल्फ अपॉइंटेड हैं, आप किसी ने आपको मुंतखब नहीं किया। सो इन्होंने कुछ ने सोचा कि हम एक और जुलूस निकालें। जब मेरे तक ये इत्तला में पहुंची तो मैंने उनको पैगाम पहुंचाने की कोशिश की थी कि ऐसा ना करो, जो अच्छा बड़ा पहला कामयाब जुलूस हुआ है आपका निकला है उसका असर जायल हो जाएगा। मेरी बात नहीं मानी गई थी, मेरी गाइडेंस पे अमल नहीं किया गया था, दूसरा जुलूस निकालने की कोशिश की गई जो बुरी तरह नाकाम हुई थी, अमोनिया से बाहर उसको नहीं जाने दिया था और कई लोगों पे मेरा हल लाठी चार्ज भी हुआ था, लेकिन वो एक जो कहते हैं इट लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट, वो नहीं होना चाहिए था। पहला जो कामयाबी से जुलूस आप लोगों ने निकाला था, दूसरे ने उसका असर जाहिर करा। नाज़रीन आज की हमारी गुफ्तगू सफीरा पाकिस्तान मोहतरम इरफान उर रहमान राजा साहब से बड़ी तफसील के साथ हुई। सबसे पहले इन्होंने खराज अकीदत पेश किया उन दोनों शहदा को जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर ना सिर्फ यूनान बल्कि पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक इफ्तिखार अता किया, एक उनको खुशी अता की कि उनके इस किरदार से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वक़ार है वो बुलंद हुआ। उसके अलावा जितने भी सफ़ीर पाकिस्तान साहब ने हमसे इससे पहले मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर और मुख्तलिफ मकामात पर अपनी स्पीचेस के अंदर ये वादे किए थे कि मैं फ़लाँ फ़लाँ काम जो है पाकिस्तानी बरदरी उसकी कम्यूनिटी के लिए कर रहा हूँ, उन पर इनसे गुफ्तगु शनीद हुई, उनकी पेशरफ पर जो बात हुई आपके सामने हमने आपकी नज़र की, उसके अंदर सफ़ीर साहब ने यही फरमाया है कि हमने अपनी तमाम तर
कुव्वतों को लगाकर उन पर कोशिश की, तमाम मराहिल मुकम्मल किए, लेकिन बहरहाल वो अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान है। अगर किसी भी मामले पर अमल दरामद होने में कहीं पर रुकावट है तो वो सफीर पाकिस्तान की तरफ से नहीं है बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। अब हुकूमत पाकिस्तान की क्या मजबूरी है ये इनके इल्म में नहीं है। उस पर उसके बाद फिर जो आखिरी दिनों में हमारी कम्यूनिटी के अंदर मुख्तलिफ चहमगोई हैं कि सफ़ीर साहब ने क्यों मुंतखब नौ मुंतखब सदर का हलफ नहीं लिया, कहीं इस हलफ ना लेने की जो बात है इसके अंदर ये राज तो पिनह नहीं कि फिर दोबारा सफारत खाने पाकिस्तान और पाकिस्तान कम्युनिटी तसादुम की राह पर चलने लगे हैं। तो उन्होंने इसकी भी वजाहत कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि सफ़ीर पाकिस्तान जो होता है, उन्होंने नाम लिया स्पेसिफिक अपना नाम नहीं, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं या किसी और का नाम नहीं, सफ़ीर पाकिस्तान जो होता है उसका एक मकाम होता है, जब तक आप उसको मकाम नहीं देंगे या उसके मकाम पर किसी और को ला कर खड़ा कर देंगे तो उसके लिए वहाँ पर आना या उसमें शमूलियत करना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और हम सबको उसको जहन नशीन भी रखना चाहिए कि सफ़ीर साहब ने कहा है कि मेरे फैसलों पर, मेरे इकदाम पर अमल दरामद हो या ना हो, मैं इंशाल्लाह आखिर वक्त तक इन पर अमल दरामद कराने के लिए मेहनत भी करता रहूँगा, कोशिश रहूँगा, और मेरे ये फ़राइज़ में शामिल है कि मैं अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करूँ। सफ़ीर साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से चंद लम्हात हमारी नज़र किए। नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम में फिर किसी मेहमान के साथ नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान एहसानुल्लाह खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नाज़रीन, अगले जुमे को एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी मेज़बान निमशा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेमान। एशियन फूड और मसाला जैसे खरीदारी का सबसे बड़ा मार्केट, घरेलू इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी बर्तनों की अलग वैरायटी भी दस्तियाब है। प्राय रब्ता लेफोर इरिनी टावर 71, फोन नंबर 2103436947876945438436947498190। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमात नाम, बातमात सर्विस, दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर